आप सबको स्वागत है। आज 13 मार्च के ईश्वर वरदान में परमपिता परमात्मा हमें समझाते हैं कि कभी कभी हमें क्यों मुश्किल हो जाता है ध्यान लगाना या मेडिटेशन करना। सिंपल वर्ड्स अगर देखे जाए तो मेडिटेशन बहुत बड़ा लगता है वर्ड, और ध्यान भी बहुत जटिल लगता है कि पता नहीं कौन सी बड़ी मुश्किल चीज है जो कि करना बहुत मुश्किल है, और बहुत ही सन्यासी लोग ही इसको या साधु लोग ही इसको कर पाते हैं, या घर बार छोड़ना होता है तभी ये हो पाता है। लेकिन भगवद गीता में लिखा हुआ है कि आप घर में बैठे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ये सब कुछ कर सकते हो, आपको कुछ सन्यासी चोला पहनने की जरूरत नहीं है और ना ही सन्यास लेने की जरूरत है दुनिया से, आप घर गृहस्थी को संभालते ही सब कुछ कर सकते हो। तो फिर भी इंसान को ये मुश्किल क्यों लगता है, आज परमात्मा उसी के बारे में हमें समझा रहे हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि सेवा का पार्ट बजाते, अब सेवा का पार्ट सब ये नहीं कि आपने किसी को ज्ञान दिया या आपने अपने किसी की धन के थ्रू सेवा करी आपने या अपने किसी को कुछ दान कर दिया आपने। परमात्मा कहते हैं सेवा तो आप हर क्षण कर रहे होते हो, घर में बैठे हुए आप तो उसमें बातचीत करते हुए आप या तो फिर नेगेटिव बातें कर सकते हो या पॉजिटिव बातें कर सकते हो, या आप किसी को नीचे गिरा सकते हो या आप लोगों को उठा सकते हो, तो ये सारी बातें ही आपकी हो जाती हैं सेवाएं। तो सेवा कोई स्पेशल एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका नहीं है कि आपको एक स्टेज पर बुलाया जाए और आप सेवा पे करें या आपको कहीं वक्ता के रूप में बुलाया जाए, आप चलते फिरते सेवाधारी हैं। आपके द्वारा लोगों को या तो शांति मिल रही है या तो आपके द्वारा लोगों को अशांति मिल रही है। तो सेवा का पाठ बजाते, पाठ से न्यारे होना क्या है कि मैंने अगर कहीं पर भी किसी को भी अगर मैंने थोड़ा सा सुख दिया, शांति दी, खुशी दी मैंने अपने कर्मों के द्वारा, तो मुझे भी वापस वही चीज वापस मिले मुझे, ये चीज की इच्छा रखना ये ठीक नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि उसके ऊपर न्यारापन नहीं आता। और बाप के प्यारे रहने वाले सहज योगी भवा, तब जाकर क्या होगा, हमारा प्यार परमात्मा से जुड़ेगा जब हमारी ये सारी इच्छाएं, चाहे वो हमारे धन संपत्ति से हो जो हमने कमाई हुई हो, चाहे हमारे लौकिक संबंधियों से हो, हमें किसी भी चीज से कोई इच्छा ना हो, तब जाकर के हमारा परमात्मा से योग लग पाएगा, मतलब उनकी याद आ पाएगी। लेकिन दिन भर अगर हम इन्हीं ख्यालों में रहे, इन्हीं चीजों में रहे और संकल्प हमारे यही चलते रहे, तो फिर परमात्मा से हमारा दूरी बढ़ती जाएगी और ऑटोमेटिकली हम फिर क्या कहते हैं, हमारा योग नहीं लगा तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया, हमें परमात्मा की याद नहीं आ रही है। सिंपल टर्म्स, कई बच्चे कहते हैं योग कभी लगता है कभी नहीं लगता। इसका कारण है न्यारेपन की कमी, कि बहुत ज्यादा विलीन हो जाना किसी चीज में, बहुत या तो चिंता में चले जाना या तो बहुत ही क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। परमात्मा कहते हैं सब कुछ तुम अपने ऊपर लोगे फिर मेरा कार्य है ही क्या, तुम खुद ही लो और तुम खुद ही थक जाओ, उसके बाद जब थकावट होती है तो फिर परमात्मा से ध्यान नहीं लगता। न्यारे ना होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता, क्योंकि हम इच्छाओं में विलीन हो जाते हैं। न्यारा ना होने का कारण क्या है, हम डिटैच क्यों नहीं पाते, बिकॉज हमें इच्छाएं हो जाती हैं बहुत सारी, मैंने ये किया, मैंने इतनी मेहनत करी, मेरे द्वारा ये होना चाहिए, मेरा ये आइडिया है, और ये सारी चीजों में जब हम लीन हो जाते हैं और ये भी सोचते हैं कभी कभी सेकेंड चीज की वो इतना काबिलियत नहीं रखता मेरी जितनी, तो मुझे उसको गाइड करना है, मेरे को उसके पीछे पड़ना ही है, और ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो हम भगवान के और उनके बीच में आ जाते हैं और हम अपने ऊपर सारा बोझा ले लेते हैं, जिस कारण से हमारे अंदर थकावट होती है, चिड़चिड़ापन होता है, इरिटेशन होती है। ये सारी चीजों का कारण है कि हम न्यारे नहीं रह करके हर कार्य कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा उसके अंदर विलीन हो जा रहे हैं। न्यारे ना होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता, और जहां प्यार नहीं वहां याद नहीं। परमात्मा से अगर प्यार नहीं है, दुनिया वालों से प्यार है, चीजों से प्यार है, वस्तुओं से प्यार है, भविष्य की इच्छाओं की पूर्ति का अगर उसके साथ में लगाव है कि मैं ये बना लूं, ये कर लूं, मैं ये खरीद लूं, ये पालूं, मैं तब जाकर के मेरे को सुख होगा, तब जाकर के मैं ध्यान कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, मेडिटेशन कर पाऊंगी, तब जाकर मुझे चैन आएगा, तब जाकर के मैं ध्यान कर पाऊंगी, तब जाकर मैं ज्ञान लूंगा या लूंगी, तब जाकर के मेरा योग ठीक लगेगा। ये जो हम कंडीशंस डाल देते हैं, ये हम अपने ऊपर ही भस्मासुर जैसे अपने आपको ही श्रापित कर देते हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि न्यारे रहने की प्रैक्टिस करो बीच बीच में। न्यारे ना होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता, किसके, परमात्मा के प्यार का अनुभव नहीं होता, क्योंकि हम चीजों से, वस्तुओं से और प्राप्तियों से, उपलब्धियों से हम प्यार करना शुरू कर देते हैं और भविष्य की इच्छाओं के ऊपर हमारा प्यार निर्भर हो जाता है। और जहां प्यार नहीं वहां याद नहीं, जहां परमात्मा से प्यार नहीं है, वस्तुओं की उपलब्धियों का, फ्यूचर में चीजों की उपलब्धियों का या प्रमोशन का या कोई चीज बना करके आगे बढ़ने का दुनिया में, ये सारी जब चीजों की हमारे अंदर इच्छाएं बढ़ जाती हैं और हम आगे जाकर सपने देखने शुरू करते थे भविष्य के कि हम लौकिकता में, भौतिकता में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा परमात्मा से प्यार कम होना शुरू होता है। हम ये भूल जाते हैं कि सब कुछ परमात्मा का है और परमात्मा अगर चाहे तो किसी भी समय इन सारी चीजों को हमसे अलग भी कर सकता है और हम भी अपने आप को उसके लिए तैयार रखें।
क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमने क्या कर्म किए हुए हैं। तो जितना ज्यादा प्यार उतनी सहज याद, इसलिए संबंध के आधार पर पाठ नहीं बजाओ। हम पाठ कैसे बजाते हैं, हम रोल कैसे निभाते हैं, हम न्यारे क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि हम सोचते हैं ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा बहू, ये मेरी पत्नी पति है मेरा, मुझे करना ही है, मुझे हेल्प करनी है, अगर नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा, ऐसा ना करते हैं वो से। हम ये चीजों में हम उनको भी कमजोर वाइब्रेशन भेजते हैं और खुद भी उसके अंदर फंस जाते हैं, और उस फंसने के कारण हम क्या होते हैं, भारी हो जाते हैं। भारी होने के कारण हमारे अंदर क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत आनी शुरू होती है। सेवा के संबंध से पाठ बजाओ। सेवा का संबंध, संबंध से सेवा नहीं, संबंधी है इसलिए सेवा करो नहीं। अगर संबंधी है तो सारी दुनिया हमारे संबंधी है ना, तो फिर तो हमें सारी दुनिया की सेवा करनी चाहिए। सिर्फ चार पांच लोग हमारे संबंधी नहीं है, सारी दुनिया के बारे में सोचना चाहिए, ना कि चार पांच लोगों के बारे में। तो हमारी बुद्धि विशाल होगी और परमात्मा से प्यार होगी, कि परमात्मा बोलेंगे हाँ ये बच्चा जो है ये सिर्फ अपने घर परिवार के बारे में नहीं सोचता, ये पूरी दुनिया के बारे में सोचता है। तो जो दुनिया के बारे में सोचेगा उसको परमात्मा कितना प्यार देगा, ताकि वो और दुनिया वालों को प्यार दे पाए। लेकिन जो चार पांच लोगों के बारे में सिर्फ सोचेगा उसको कितना प्यार मिलेगा, आप सोचिएगा इसके बारे में। सेवा के संबंध से पाठ बजाओ तो न्यारे रहेंगे, कि मुझे सिर्फ पांच छह लोगों के बारे में नहीं सोचना, मुझे घर वालों के बारे में, मुझे पूरी दुनिया के बारे में सोच करके कर्म करना है, कार्य करना है, और जो भी मेरी इच्छाएं हैं वो सारी मेरी बेहद की इच्छाएं हो जाए, ना कि स्व की इच्छाएं, कि हाँ मेरा बनेगा, मेरे लिए होगा, मेरी नौकरी लगेगी, मेरे पैसे आएंगे, मेरी जॉब होगी, या मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा तो मेरा फायदा। परमात्मा कहते हैं इन चीजों को भी लौकिकता से अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे। कमल क्या होता है, कीचड़ में रहता है। कीचड़ क्या हो गया, परमात्मा कह रहे हैं सारी दुनिया ही आज कीचड़ है। कीचड़ कैसे होगी, सारी दुनिया में लोगों के अंदर लोभ है, अहंकार है, घृणा है, नफरत है, वही कीचड़ है। तो उससे बच के रहना। अगर बहुत ज्यादा इच्छाएं रखेंगे कलयुग में तो फिर वैसे ही लोग आएंगे जो कि आपकी इच्छाओं के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना चाहेंगे। तो अगर आप बहुत लोभ दिखाएंगे, बहुत बड़ी इच्छाएं दिखाएंगे, तो लोभी लोग आपके आसपास आ जाएंगे, बहुत इच्छा रखने वाले लोग आपके पास आ जाएंगे। जो साथी संबंधी नहीं थे पहले, क्योंकि आपके पास में तरक्की नहीं थी, वही आज साथी संबंधी झूठे बनने शुरू हो जाएंगे। तो फिर आप कमल फूल समान नहीं रह पाओगे और परमात्मा से आपका योग नहीं लगेगा। तो परमात्मा से कहते हैं कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। सहज योगी, सहज मतलब इजी, परमात्मा के साथ में आपका योग लगना, मतलब याद आनी परमात्मा की शुरू हो जाएगी। नहीं तो हम विलीन हो जाते हैं दुनियावी प्राप्तियों में, दुनिया वालों को दिखाने में और आगे बढ़ने की इच्छाओं में और पूर्तियों करने में, लेकिन चाहिए कितना है, दो रोटी खाने के लिए। तो परमात्मा पिता कहते हैं कि अपने सारे जो भी इच्छाएं हैं उनको आप अलौकिक करो, उनको आप आध्यात्मिक तरीके से परिवर्तन करो। पैसे भी कमाना है तो किस लिए कमाना है, सेवा में लगाने के लिए। बिजनेस भी करना है किस लिए करना है, सेवा में लगाने के लिए। और धन भी कमाने किस लिए कमाना है, नौकरी भी करनी किस लिए करनी है, कि सेवा में बढ़ने के लिए आगे। तो हर चीज को हमें अलौकिकता से देखने की आदत डालनी बहुत जरूरी है। इसके साथ ओम शांति।